नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे पावरफुल कैप्सूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग करके अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी हो गई है तो आप बहुत जल्दी इस कैप्सूल को लेकर के आप पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में उस दवा के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, कैसे इस दवा का प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, क्या इस दवा का कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है, और यह किस कंपनी द्वारा बना है, इसका प्राइस क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन और बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आप पीछे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों, बात करते हैं हेमाप जेम्स कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, यह हेमाप जेम्स कैप्सूल जो है यह 30 कैप्सूल का पैक आता है जो लगभग आप 211 रुपये का किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर आप हेमाप जेम्स नाम बता करके ले सकते हैं। इसमें चार तरह का इंग्रेडिएंट मिला करके यह कैप्सूल तैयार किया गया है, जिसमें फोलिक एसिड हुआ वह 1.5 mg मिलाया गया है, वहीं फेरस फेमरेट हुआ वह 200 mg मिलाया गया है, और क्यूप्रिक सल्फेट हुआ वह 2.5 mg मिलाया गया है, मैग्नीज सल्फेट हुआ वह 2.5 mg मिला करके यह कैप्सूल तैयार किया गया है। दोस्तों, यह हेमाप कैप्सूल जो है यह कैडिला फार्मास्यूटिकल पीवीटी लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर हेमाप नाम बता करके आप ले सकते हैं और अपने शरीर में आलस, कमजोरी, थकान, ब्लड की कमी, एनीमिया की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी, इसको आप दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके बाल में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गया है, या आपका बाल सफ़ेद हो रहा है या टूट रहा है, या आपके नाखून में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गया है, या आपका दांत कमज़ोर हो रहा है, या आपको आँखों की कोई समस्या हो रही है, या आपका हाथ पैर दर्द कर रहा है, या आपकी मांसपेशियों में हमेशा ऐंठन बना रहता है, या आपकी मसल्स कमज़ोर हो रही हैं, इसके साथ साथ आपके भूख को भी तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है, साथ ही साथ यह आपके हड्डियों को भी मजबूत बनाने का काम करता है। प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के पहले जो महिलाएं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, उनके शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो उतने समय भी इस कैप्सूल का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मार्केट में इस तरह की बहुत सारे दवाएं आती हैं, तो अगर आपको हेमाप कैप्सूल नहीं मिला तो आप किसी भी ब्रांड नेम से यह दवा लेकर के अपने शरीर में ब्लड की कमी को या शारीरिक कमजोरी को आप दूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस हेमाप जेम्स कैप्सूल का प्रयोग हमें करना कैसे। दोस्तों, इस कैप्सूल को आप खाना खाने के बाद 24 घंटे में एक बार कभी भी आप यूज कर सकते हैं, जहाँ तक वो आप रात में यूज करें। इसको आप दूध या नॉर्मल पानी के साथ किसी भी तरह आप ले सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस हेमाप कैप्सूल का क्या कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं। दोस्तों, ऐसे तो हेमाप जेम्स कैप्सूल का नॉर्मली कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको मतली आ रहा है, पलटी महसूस हो रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, या आपका मुँह सूख रहा है, या आपके मल के रंग में कोई बदलाव आ रहा है, या आपको दस्त महसूस हो रहा है, तो उतने समय आप तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, सलाह ले लें। दोस्तों, ध्यान रहे कि यह दवा जो है यह केवल एडल्ट के लिए बनाया गया, बच्चे इस दवा का प्रयोग ना करें। चलिए जानते हैं इस कैप्सूल को लेने से पहले किसी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। दोस्तों, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो वह लोग डॉक्टर से सलाह जरूर लें इस दवा को लेने से पहले, या जिन लोगों को लीवर या किडनी की समस्या है, या जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वह लोग भी डॉक्टर से सलाह लेकर के तभी इस दवा का प्रयोग करें। दोस्तों, ध्यान रहे मेरे द्वारा बताए गए किसी भी दवा का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। एक जानकारी के पर्पज से बताया जाता है कौन सी दवा किस बीमारी में प्रयोग की जाती है, कैसे प्रयोग की जाती है। अगर कोई भी दवा आपको लेना है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, तभी किसी दवा का प्रयोग करें। मेरे द्वारा बताए गए किसी भी दवा का प्रयोग आप अपने मन से ना करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आप कुछ और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।